आई वॉन्ट टू फील स्पिरिचुअल फीलिंग. देखिए जो स्पिरिचुअल अरीना होता है वो हमारे ना विश डिजायर इन चीजों के ना बाहर होता है. देखिए जो हम लोग की जो लाइफ चलती है एक लॉ कुछ लॉज है जिनसे हम लोग की लाइफ गवर्न होती है. तो अगर आप राइट पाथ पे चलेंगे तो ये जो स्पिरिचुअल फीलिंग है जो स्पिरिचुअल प्लेजर है दैट इज द फ्रूट. अगर आपका पाथ ठीक होगा जैसे एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ कि पीस एंड रियल हैप्पीनेस इज ओनली फॉर द सोलफुल पीपल और जो बाकी लोगों के लिए वो सेंटेड प्लास्टिक फ्लावर्स है. सो अगर आप एक देखिए हमारी जो थिंकिंग होती है हमारा जो बिहेवियर होता है हमारा जो डायरेक्शन होता है वो विथ टाइम हमें पता चलता है कि हम अपनी सोल को अक्वायर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे अपनी सोल को अर्न कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे. और ये वन ऑफ द बिगेस्ट अर्निंग होता है सोल. देखिए दो तरह के लोग होते हैं एक सोलफुल पीपल और एक सोललेस पीपल. तो जब सोलफुल पीपल होना इस पे देखिए जितने भी सेंट्स होते हैं ट्रू सेंट्स होते हैं वो सोलफुल होते हैं या वो जो सोलफुल है वही सेंट है. जो सोललेस है देखिए वो बातें करना तो बहुत आसान है बातें करने के लिए तो लोग पास बहुत सी नॉलेज है बहुत से प्रवचन सुन लेंगे बातें करना इज वेरी इजी. लेकिन आपके जो वर्ड्स हैं आपके जो वाइब्रेशन है आपके जो आंसर्स हैं वो आपकी सोल से आ रहे हैं. क्या आप सोलफुल पीपल हैं? तो अगर आप सोलफुल पीपल होंगे तो आप स्पिरिचुअल फीलिंग स्पिरिचुअल प्लेजर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन तभी आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे. वो आपके विश से किसी एक्शन से किसी मेडिटेशन की प्रैक्टिस से नहीं होना है. जब आप राइट पाथ पे ट्रेवल करते हैं जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को समझते हैं स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज को समझते हैं स्पिरिचुअल अरीना को समझते हैं आप ये समझते हैं कि वहां क्या वर्क करता है क्या नहीं वर्क करता है. क्या नहीं वर्क करता है ये मैं आपको बताता हूँ. देखिए एक हम लोग की जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है यहाँ पे माइंड इज द किंग. जो हम लोग को दिखने वाली दुनिया है जहाँ पे नेम फेम पावर वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है. सो जैसे ऐसे बताते हैं जैसे थ्री फॉर्म ऑफ पावर हम लोग कहते हैं फर्स्ट मनी शीशा मोती तलवार फर्स्ट मनी सेकेंड जो मसल पावर होता है थर्ड शीशा जो स्पिरिचुअल वो होता है. तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड तक है यहाँ तक अगर आपको रूल करना है अगर आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना है अगर आपको मसल पावर है पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना है तो यहाँ पे माइंड इज द किंग. तब आपको माइंड मास्टरी करना पड़ेगा. अपने माइंड को मास्टर करके आप जितना मर्जी बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं अपना नेटवर्थ खड़ा कर सकते हैं जितना मर्जी आप पावरफुल हो सकते हैं. सो लेकिन उसके बाद का जो थर्ड है जो स्पिरिचुअल एरिना है वहां पे माइंड इज द बिगर. जो स्पिरिचुअल एरिना है वहां पे माइंड का कोई काम नहीं रह जाता. वहां पे माइंड ना कूड़े के भाव बिकेगा. वहां माइंड की कोई वैल्यू नहीं है. वहां पे जो माइंड है वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा. वहां पे आपको कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता. इसीलिए इन दोनों में बैलेंस बनाना या वो आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. सो अगर जो स्पिरिचुअल एरिना है वहां पे जो हमारा जो माइंड है वो ऑब्स्टेकल होता है. अब देखिए हम लोग की जो नॉर्मल लाइफ चलती है उसको वहां पे हम लोग का जैसे माइंड को ही सब कुछ वहां पे सब कुछ माइंड पे डिपेंड करता है. लेकिन जैसे हम लोग स्पिरिचुअल एरिना में एंटर करते हैं वहां पे हमें माइंड को साइड करना होता है. सो माइंड को साइड कैसे करें इसी के लिए अवेयरनेस की प्रैक्टिस है. इसी के लिए जो सरेंडर है या जो हम लोग एक तीन स्टेप का प्रोसेस बोलते हैं पहला स्टेप थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना. थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करें जब तक हम लोग तब तक वहां पे माइंड इन्वॉल्व है. लेकिन माइंड का सबसे जो हायर एस्पेक्ट है वो इन्वॉल्व है. थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना. स्टेप टू हम लोग बोलते हैं तेरी मर्जी. तेरी मर्जी की प्रैक्टिस में क्या होता है कि अब हम जो गॉड है जो यूनिवर्स है उसको अपनी थिंकिंग का सेंटर बनाना शुरू कर दिए. सो सेकंड इज द तेरी मर्जी. फिर जो थर्ड स्टेप है उसको बोलते हैं सिमरन या गॉड रिमेम्बरेंस. तो लेकिन अगर आपकी लाइफ में थैंकफुलनेस ही नहीं है तो आप आगे नहीं जा पाओगे. आप कितना भी करो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो सिमरन कर रहे हो गॉड रिमेम्बरेंस कर रहे हो लेकिन आपकी लाइफ में अगर थैंकफुलनेस नहीं है तो आप उन चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे. आप करोगे तो भगवान का नाम लेकिन आपके मन में ये चलेगा कि हे भगवान मेरा ये ठीक कर दे हे भगवान मेरा वो ठीक कर दे. आप गॉड को सर्वेंट बनाने की कोशिश करोगे और गॉड को सर्वेंट बनाने की कोशिश करना मतलब आप गॉड को चीट करने की कोशिश कर रहे हो. गॉड को चीट करने की कोशिश करना मतलब आप अपने आप को चीट करने की कोशिश कर रहे हो. हम यूनिवर्स को गॉड को कभी चीट नहीं कर सकते.